हेलो एवरीवन वेलकम टू दिस चैलेंज जूलॉजी नोट्स आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगी फैक्टर अफेक्टिंग इंजाइम एक्टिविटी उससे पहले मैं बता दूं कि बायो के जितने भी टॉपिक हैं मैं अपलोड कर दी हूं आप प्लेलिस्ट में जाके बायो के जो ये मतलब बायो का के जो प्लेलिस्ट है उसमें जाइएगा चेक कीजिएगा आपको हर एक टॉपिक आपको मिल जाएगा क्या होता है फैक्टर अफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटी बहुत ही इजी है कि अगर ये short, ये हमेशा क्वेश्चन जो है ना वो शॉर्ट नोट में पूछा जाता है सेवन मार्क्स में पूछेगा या तो ऑप्शन में आपको पूछ लेगा एम में इसमें जितने भी पॉइंट जो है इसमें फिगर है तो ये इसलिए होता है ना फिगर वाले टॉपिक को ही ज्यादा कीजिएगा क्योंकि उसमें लिखना कम पड़ेगा फिगर ड्रॉ कर दीजिएगा तो उसमें मार्क्स आपको बहुत अच्छा मिल जाएगा क्या होता है फैक्टर अफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटी द एक्टिविटी ऑफ इंजाइम इज अफेक्टेड बाई ए नंबर ऑफ फैक्टर्स सच इज टेम्परेचर इंजाइम कंसेंट्रेशन पी एंड सबस्टेट कंसेंट्रेशन बोला जा रहा है कि एंजाइम के एक्टिविटी को जो इफेक्ट जो करता है ना एंजाइम के एक्टिविटी को इफेक्ट करने वाले कुछ फैक्टर्स होते हैं जैसे कि टेम्परेचर हो गया एंजाइम कंसंट्रेशन पीएच सब्सट्रेट कंसंट्रेशन ये चार फैक्टर एंजाइम के एक्टिविटी को इफेक्ट करता है इफेक्ट इफेक्ट ऑफ टेंपरेचर ऑन एंजाइम एंजाइम पर टेंपरेचर का क्या इफेक्ट रहता है द रेट ऑफ एंजाइम एक्शन इंक्रीजेस विद द इंक्रीज ऑफ टेंपरेचर अप टू फोर्टी डिग्री सेल्सियस द टेम्परेचर एट विच द इंजाइम एक्शन इज मैक्सिमम इज कॉल्ड द ऑप्टिमम टेम्परेचर बोला जा रहा है कि टेम्परेचर में फोर्टी डिग्री सेल्सियस बढ़ने के साथ इंजाइम एक्शन का रेट जो होता है वो बढ़ जाता है जिस टेम्परेचर पर इंजाइम एक्शन ज़्यादा होता है उसे ऑप्टिमम टेम्परेचर कहा जाता है फॉर मोस्ट ऑफ़ द इंजाइम द ऑप्टिमम टेम्परेचर लाइज बिटवीन थर्टी डिग्री सी थर्टी डिग्री सेल्सियस एंड फॉर्टी डिग्री सेल्सियस क्या होता है कि अधिकांश जो एंजाइम होता है उसके लिए जो होता है ना ऑप्टिमम टेम्परेचर थर्टी डिग्री सेल्सियस और फोर्टी डिग्री सेल्सियस के बीच होता है और कम कम टेम्परेचर पर क्या होता है एंजाइम जो होता है वो इनएक्टिव हो जाता है और इतना कि पता है क्या होता है हाई जब टेम्परेचर होता है ना जैसे कि एग्जाम्पल के लिए सिक्सटी डिग्री सेल्सियस सिक्सटी डिग्री सेल्सियस होगा उस टाइम भी एंजाइम क्या होगा वो एक तरह से इनएक्टिव फॉर्म में हो जाता है फिर उसके बाद आपको यहाँ पे एक फिगर ड्रॉ करना है यहाँ पे जो फिफ्टीन ट्वेंटी ट्वेंटी फाइव थर्टी थर्टी फाइव जो राइट में लिखा है उसके साइड में लिखिएगा वहां पे वो छूट गया है एंजाइम एक्टिविटी और नीचे लिखिएगा टेम्परेचर जो टेन ट्वेंटी थर्टी फोर्टी फिफ्टी सिक्सटी लिखा है उसके नीचे लिखिएगा टेम्परेचर सॉरी फॉर मिस्टेक वहां पर वो लिखने भूल गई हूं मैं उसके बाद है इफेक्ट ऑफ पीएच ऑन इंजाइम इंजाइम पर पीएच का क्या इफेक्ट रहता है द रेट ऑफ इंजाइम एक्शन

यहां पर भी आपको एक फिगर ड्रॉ करना है वो फिगर मैं आपको लास्ट में दिखाऊंगी और इतना की कम्युनिटी में भी दे दूंगी उसके बाद है इफेक्ट ऑफ एंजाइम कंसंट्रेशन एन एंजाइम वर्क इवन व्हेन इट इज प्रेजेंट इन लो क्वांटिटी एंजाइम तभी काम करता है जब होता है वो लो क्वांटिटी पे होता है द वेलोसिटी ऑफ द रिएक्शन इंक्रीजेस विद द इंक्रीज इन द कंसेंट्रेशन ऑफ एंजाइम जब जब होता है ना कि रिएक्शन का जब वेलोसिटी बढ़ता है ना उसके साथ ही एंजाइम का कंसनट्रेशन भी बढ़ता है इफेक्ट ऑफ सबस्टेट कंसनट्रेशन सबस्टेट कंसनट्रेशन का क्या इफेक्ट रहता है एंड इंक्रीज ऑफ सबस्टेट कंसंट्रेशन रिजल्ट इन ए वेरी रैपिड इंक्रीज इन द वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन सब्सटेट कंसंट्रेशन जब बढ़ता है ना उसके रिजल्ट से क्या होता है रिएक्शन की जो वेलोसिटी होता है ना उसमें बहुत ही तेजी से वृद्धि होता है So, just, uh, ये सेकेंड जो पॉइंट है इफेक्ट ऑफ टेम्परे सॉरी इफेक्ट ऑफ पीएच ऑन इंजाइम उसमें आपको ये डायग्राम बनाना है उसके बाद थर्ड है इफेक्ट ऑफ इंजाइम कंसंट्रेशन उसमें आपको ये फिगर बनाना है और सबसे लास्ट इफेक्ट ऑफ सब्सट्रेट कंसंट्रेशन उसमें आपको ये फिगर ड्रॉ करना है